हम सीखते हैं कि हम माइक्रोबेट की प्रोग्रामिंग कैसे चैट जीपीटी से कर सकते हैं इसके लिए हम माइक्रोबेट को पाइथन से कोड करेंगे और इसलिए मैं माइक्रोबेट के इस एडिटर पर हूँ पाइथन डॉट माइक्रोबेट डॉट ओ और साथ ही मैंने यहां चैट जीपीटी की विंडो खोली हुई है तो हम चैट जीपीटी को एक सिंपल सा माइक्रोबिट का पाइथन बेस्ड प्रोग्राम लिखने का प्रॉम्प्ट देते हैं राइट पाइथन कोड फॉर माइक्रोबिट टू मेक अ हार्ट अपीयर वेन बटन ए इज क्लिक एंड अ क्रॉस अपीयर वेन बटन बी इज क्लिक्ड तो यहां पर चैट जीपीटी ये कोड लिख रहा है और नीचे हमारे को इस कोड का एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है टेस्ट करने के लिए कि ये चलता है कि नहीं मैं इस कोड को कॉपी कर रहा हूं और फिर मैं पाइथन एडिटर में जाके इसको सिंपली पेस्ट कर रहा हूं और हम पहले सिमुलेटर में ट्राई कर सकते हैं सिमुलेटर में ये कोड काम नहीं कर रहा है हम कोड को माइक्रोबेट में ट्रांसफर करके टेस्ट कर सकते हैं वैसे चलना नहीं चाहिए क्योंकि सिमुलेटर पर भी नहीं चला है पर जस्ट केस एक बार ट्राई करके देख लेते हैं माइक्रोबिट पर भी पटन ए और बी दबाने से कुछ नहीं हुआ यानी इस कोड के साथ कोई प्रॉब्लम है तो हम चैट जी पी टी वापस जाके वहाँ ये लिख देते हैं नथिंग हैपन्ड ईदर ऑन द सिमुलेटर और ऑन द एक्चुअल माइक्रोबिट और देखते हैं चैट जीपीटी क्या कहता है चैट जी पी टी ने नया कोड जनरेट किया है और वो कह रहा है कि दिस चेंज शुड वर्क बिकॉज देर आर डिफरेंट वर्जन ऑफ माइक्रोपाइथन तो हम इस नए कोड को कॉपी करके डॉट माइक्रोपेट डॉट और पे जाके वहाँ पुराना कोड डिलीट करके ये कोड कॉपी करते हैं ये कोड सिमुलेटर पे ठीक चल रहा है तो इसको हम अपने माइक्रोबेट पे फ्लैश करते हैं तो अब ए बटन दबाने पे हमें हार्ट मिल रहा है और बी बटन दबाने पे क्रॉस का साइन मिल रहा है यानी ये प्रोग्राम ठीक काम कर रहा है मैं ये दिखाना चाहता था कि चैट जीपीटी कई बार फर्स्ट इंस्टेंस में कोड ठीक नहीं जनरेट करता है पर अगर आप जो भी आपको एरर मैसेज मिले या जो भी चीज़ काम ना करे आप चैट जी को वापस वो समझाओ तो एक दो बार में वो समझ जाता है कि प्रॉब्लम क्या है और उसके बाद मोस्टली ठीक कोड जनरेट करता है तो हम कुछ और कोड लिखकर टेस्ट करते हैं तो नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं अगर चैट जी टच सेंसर टच करने पर कोई इवेंट ट्रिगर कर पाता है कि नहीं तो मैं प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ Can न यू राइट code for Microbit version वर्जन such that when the touch sensor is touched, a heart image gets displayed? तो ये कोड जैट जीपीडी ने लिखा है मैं इसको कॉपी करके माइक्रोपाइथन एडिटर में पुराना कोड डिलीट करके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर ये मुझे एरर दे रहा है पिन टच इज नॉट डिफाइंड तो कई बार चार जी के साथ इस किस्म की प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमें उसे बताना पड़ता है कि माइक्रो पाइथन जो है वो स्टैंडर्डाइज पाइथन नहीं है तो स्पेसिफिकली माइक्रोबिट में ये कमांड क्या है और ये हम पता कर सकते हैं यहाँ रेफरेंस में जाके अगर हम मैं नीचे जाऊँ तो यहाँ पर हम जो टच सेंसर है वो देख रहे हैं और ये टच लोगो वर्जन टू में हमें बता रहा है कि जो कोड है वो एक्चुअली है इफ़ पिन लोगो इज़ टचड नॉट इफ़ पिन समथिंग इज़ टच्ड तो हम ये कर सकते हैं कि हम इसको कॉपी करके हम वापस पाइथन में वापस चैट जीपीटी में जाके इसको कह सकते हैं दिस कोड डिड नॉट वर्क राइट कमांड इज़ और हम ये कोड से यहाँ पेस्ट कर रहे हैं तो वो कह रहा है आई अपोलोजाइज एंड अब उसने नया कोड जनरेट किया है तो इस कोड को मैं कॉपी करके वापस एडिटर में जा रहा हूँ यहाँ डिलीट करके नया कोड पेस्ट कर रहा हूँ और अभी कोई एरर नहीं है तो हम सिमिलेटर में देख सकते हैं तो उसने इमेज बदल दिया है इमेज हैप्पी दिखा रहा है नॉट इमेज हार्ट बट ये काम कर रहा है सो बट वी कैन गो बैक टू द कोड एंड से इन चैट जी पी टी द इमेज डिस्प्लेड शुड बी हार्ट एंड नॉट हैप्पी तो यहाँ से फिर से उसने नया कोड जनरेट किया है और मैं ये कोड यहाँ कॉपी कर रहा हूँ तो अब हमारी इमेज हार्ट यहाँ नज़र आ रही है मैं इसको माइक्रोबिट में भेज रहा हूँ और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर मैं टच सेंसर को टच कर रहा हूँ माइक्रोबिट पर तो मुझे हार्ट की इमेज मिल रही है तो एटलीस्ट जो सिंपल लेवल का कोड है वो चैट जी लिख सकता है और हम चैट जी को फर्दर ट्रेन कर सकते हैं कि कोड बेटर हो जाए फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो हार्ट इमेज डिफाइन कर रहा है जबकि अगेन अगर मैं रेफरेंस में जाऊँ और डिस्प्ले में जाऊँ तो वो यहाँ पर कई सारे चीज़ें बता रहा है कि ये सब चीज़ें जो हैं ये ऑलरेडी प्री मेड हैं तो इंस्टेड ऑफ माइक चार्ट जी पी टी जनरेटिंग दिस कोड वो यहाँ पे सिंपली कह सकता था डिस्प्ले द इमेज हार्ट सो इफ इफ यू वॉन्ट वी कैन से कि uh, uh, ये जो कोड है इसको कॉपी करके हम चार्ट जी पी टी को कह सकते हैं कि सिंपलर वे ऑफ शोइंग हार्ट इज़ दिस कोड तो अब उसने जो पहला कोड था उसको सिंप्लीफाई कर दिया है और हम टेस्ट कर सकते हैं कि मैंने ये इसको कॉपी किया और मैं यहाँ इसको डिलीट करके ये नया कोड दे रहा हूँ तो अब ये सिमिलेटर में ही मैं दिखा रहा हूँ कि ये काम कर रहा है नेक्स्ट हम कोड ट्राई करते हैं जिसमें हम कोई एक्सटर्नल कॉम्पोनेंट को चलाते हैं तो यहाँ पर मैंने एक सर्वो मोटर अटैच करी है ये जो सेटअप है ये सिंपल है कि मैं सर्वो मोटर को डायरेक्टली माइक्रोबिट से नहीं कनेक्ट करना चाहता था तो इसलिए मैंने सर्वो मोटर का जो वी -सी -सी है उसको मैंने बैटरी से कनेक्ट किया है तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और इसका वी -सी, सी सर्वो का वी सी, -सी साथ है और सर्वो का जो ग्राउंड है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर है और जो माइक्रोबेट का ग्राउंड है वो भी सेम कॉमन ग्राउंड पर है और जो सर्वो का सिग्नल पिन है वो मैंने पिन माइक्रोपेट के पिन वन पर दिया है तो हम प्रोग्राम लिखते हैं चैट जी पर जिसमें हम चाहते हैं कि अगर ए बटन प्रेस हो तो जो हमारी सर्वो है वो लच से जीरो डिग्री पर हो और बी बटन प्रेस हो तो वह वन एटी डिग्री पर हो तो इसका प्रॉम्प्ट मैं लिख रहा हूँ कैन यू राइट माइक्रोपाइथन कोड फॉर माइक्रोबिट वर्जन टू वेर अ सर्वो मोटर इज अटैच टू पिन वन ऑफ द माइक्रोबिट वैन बटन ए इज प्रेस्ड द सर्वो शुड टर्न टू जीरो डिग्रीज एंड वैन बटन बी इज प्रेस्ड द सर्वो शुड टर्न टू वन डिग्रीज तो ये कोड यहाँ जनरेट हुआ है मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और मैं पुराने कोड को डिलीट करके ये पेस्ट कर रहा हूँ हमारे को एक यही एरर नज़र आ रहा है कि इम्पोर्ट सर वो जो है वो यहाँ पे नहीं काम कर रहा है तो ये कह रहा है कि एरर इज़ नो मॉड्यूल बाय दिस नेम तो मैं माइक मैं, मैं चार्ट जी में ये एरर कोड कॉपी कर रहा हूँ हम इस कोड को ट्राई करके देख सकते हैं तो मैं इसको माइक्रोबिट पर फ्लैश कर रहा हूँ तो ये कोड ठीक काम कर रहा है बटन ए और बटन बी प्रेस करने पर सर्वो जो है टर्न कर रही है एक फ़ाइनल तो कोड ट्राई करते हैं हम चैट जीपीटी से कह रहे हैं कि जो अटैच सर्वो है उसको वो एक्सलोरोटर के बेसिस पर चलाए यानी कि जब माइक्रोबिट लेफ्ट की तरफ टिल्ट हो तो सर वो एक तरफ मूव करे और जब माइक्रोबिट राइट की तरफ टिल्ट हो तो सर वो एक तरफ और तरफ मूव करे तो प्रॉम्प्ट मैंने लिखा लिखा है राइट पाइथन कोड फॉर माइक्रोबेट वर्जन टू टू कंट्रोल सर्वो मोटर यूजिंग द एक्सेलरोमीटर और मुझे ये कोड चार्ट जीपीटी ने जनरेट किया है मैं इसे कॉपी करके यहां पेस्ट कर रहा हूँ और फिर मैं इसको माइक्रोबेट में ट्रांसफर कर रहा हूं तो जो सर्वो है वो ठीक रोटेट कर रही है बेस्ड ऑन द टिल्ट ऑफ द माइक्रोबेट ओवरऑल चैट जीपीटी से माइक्रोबेट की कोडिंग माइक्रो पाइथन में मेरा एक्सपीरियंस जो था वो हिट एंड मिस रहा कई बार जो सिंपल कोड था वो चैट जी ने ठीक लिखा और कई बार गलत लिखा इवन ये जो मैंने अभी आपको टिल्ट सेंसर या एक्सलोरोटर वाला दिखाया ये मुझे कई बार चैट जी पी को इसकी इंस्ट्रक्शन देनी पड़ी और जो जो एरर आ रहा था वो बार बार मुझे चैट जी पी टी पेश करना पड़ा बट इवेंचुअली जैसा आपने अभी देखा कि वो कोड चल गया बट इट वॉज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे एक्सपीरियंस में मैंने चैट जीपीटी को रेगुलर पाइथन कोडिंग के लिए यूज़ किया है और वहाँ वो कोड बहुत ठीक से जनरेट करता है हावेवर ये जो माइक्रो पाइथन का कोड है फॉर माइक्रोबेट आई थिंक ये स्पेशल इंस्टेंसेस पे बेस्ड है इसलिए चैट जीपीटी इसकी बहुत अच्छी कोडिंग नहीं कर पाता है पर फिर भी काफ़ी सारा कोड जनरेट कर पाता है और अगर आप एरर मैसेजेस कॉपी करेंगे तो आपको कम से कम बेसिक चीज़ों का कोड जो है वो मिल सकता है मैंने चैट जीपीटी से माइक्रो पाइथन में एक माइक्रोबिट पर डॉजिंग गेम का कोड लिखने को भी कहा पर वो काफ़ी सारे ट्राइज के बाद भी वो नहीं चल पाया इनफैक्ट जब मैंने उसको खुद कोड किया यूजिंग ब्लॉक कोडिंग वो ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपलर था एनी anyway, वे आप चैट जी को यूज़ करके देख सकते हैं टू कोड माइक्रोबिट थोड़ा हिट एंड मिस है बट फिर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि चैट जी इवन माइक्रो पाइथन जो एक स्पेशल इंस्टेंस है उसका कोड लिख पाता है